सब को जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। प्रियजनों, आज की ये प्रेजेंट वर्शिप आपकी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार लाए। आप में से जितने लोग ईश्वर के वचन को ग्रहण करें उनके जीवन में ईश्वर की महिमा और उसका अनुग्रह प्रकट हो जाए। बाइबल हमें बताती है, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 8, प्रभु का वचन ये कहता है, किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता है तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूं। किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता है तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूं। प्रियजनों, ये वचन आज ग्रहण करें। प्रायश्चित करना अपने परिवार के साथ एक होकर, एक मन, एक प्राण होकर प्रार्थना करना। बाइबल में बताती है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, लेकिन दुनिया ने उस प्यार को समझा नहीं, ईश्वर के प्रेम को उन्होंने समझा नहीं। प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आया जिससे कि वो आपको और मुझे पिता के प्रेम के विषय में बताए। इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में। एक पिता जिसके दो बेटे थे, जेठा बेटा और छोटा बेटा। एक दिन उसके छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे मेरी संपत्ति का मेरा भाग दे दीजिए, अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं अपने मित्रों के साथ रहना चाहता हूं, मैं उनके साथ मौज मस्ती करना चाहता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, और उसकी संपत्ति का उसका भाग उसे दे दिया और वह उसे लेकर कहीं दूर देश चला गया। वहां पर रहते समय प्रियजनों, उसके मित्रों ने उसकी सारी धन संपत्ति पैसा लूट लिया। उसने सारा पैसा अपने मित्रों के पीछे खर्च कर दिया। उसके दुख दर्द में कोई उसकी देखभाल करने के लिए नहीं आया। उस देश में अकाल पड़ा, महामारी आई और उसके पास खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। एक एक रोटी के लिए वो मोहताज हो गया, वो काम ढूंढने लगा, वो दर दर भटकता रहा। और बाइबल बताती है कि उसे एक महाजन के यहाँ काम मिला जिसने उसे अपने बाड़े में सुअर चराने के लिए नौकरी दे दी। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वो पेट भरता। और एक दिन उसके मन में विचार आया, वो सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों नौकर भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मेरे पिता के घर में सैकड़ों नौकर छाकर भरपेट भोजन करते हैं और मैं सुअरों की फलियां खाकर अपना पेट भर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा। उस निर्णय किया, अब मैं ज्यादा यहां और नहीं रह सकता, मैं तंग आ गया हूं, मैं ऊब गया हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, उसे पिता के प्रेम की याद आई। बाइबल हमें बताती है ईश्वर से दूर जाने का परिणाम आप जानते हैं, माता पिता से दूर जाने का परिणाम बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है आप में से आज कुछ बच्चे, नौजवान ऐसे हों जो अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, अपनी अलग दुनिया में रहना चाहते हैं, अपने मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी, कसीनो, कैबरे, नशा, ड्रग्स और इस तरीके के अनेक प्रकार के अश्लीलता में जीवन जीना चाहते हैं। आप जान लीजिए, बाइबल कहती है पिता से दूर जाने का परिणाम आप अच्छी तरह जानते हैं।
उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी में ऐसा ही हुआ, उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी में ऐसा ही हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके दिल में, उसके मन में अथाह निराशा थी, उसकी जिंदगी में घोर कष्ट, परेशानी, चिंता, आर्थिक तंगी, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। आज प्रार्थना करना, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी ही हो जो अपने प्रियजनों से दूर है। प्यारे भाइयों और बहनों, पिता का प्रेम हमें प्रेरित करता है उसके पास रहने के लिए। यदि आप उससे दूर जाएंगे तो आपका बुरा हाल हो जाएगा। उसके पास लौटना, प्रायश्चित करना, यीशु से दूर रहकर खुशियां कहाँ मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियां मिलेंगी, तुम्हें दूरियां मिलेंगी, तुम्हें दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियां कहाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियां कहाँ मिलेंगी। जाओ मेरा हो ना दूर तुझसे।
से मिल तेरा साथ तुझसे मैं रहूं न दूर तुझसे मिल तेरा साथ तुझसे रहूं न दूर तुझसे मिल तेरा साथ तुझसे सच है प्यारे भाइयों और बहनों, ना जाने कितने लोग परमेश्वर से दूर भागे हुए हैं। स्तोत्रकार कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं, तू मेरी छिपने की जगह है, हे प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरी रक्षा करता है। अंधकार की घाटियों से जब मैं होकर गुजरता हूं, तू मुझे ले चलता है, तेरी लाठी और तेरे सोटे का मुझे भरोसा है। प्रियजनों, इस दुनिया ने ईश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना। वो ज्योति जो इस संसार में आई, उन्होंने उसे बुझा दिया, लेकिन अंधकार में रहने वालों ने महती ज्योति देखी, अर्थात जितनों ने विश्वास किया उन्होंने ईश्वर की महिमा को देखा, जितनों ने पश्चाताप किया उन्होंने ईश्वर के प्रेम को और क्षमा को अनुभव किया। उड़ाओ पुत्र जब ये निर्णय करता है, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पिता से कहूंगा, पिताजी मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मैंने आपके और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। प्रियजनों, पवित्र आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है। इधर बेटा अपने पिता के विषय में सोच रहा था कि मैं उठूंगा, जाऊंगा, कहूंगा कि मैंने पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लो। पर क्या आप जानते हैं कि पिता की क्या हालत हुई होगी? वो पिता जिसने उसे पैदा किया, जिसने उसकी परवरिश की, जिसने उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी हर एक जरूरत को पूरा किया, और अब बेटा जवान हो गया और ये कहता है कि मैं बाप के साथ नहीं रहूंगा, माँ के साथ नहीं रहूंगा। कैसी विडंबना है, कैसी व्यथा है प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आप बेटों से पूछता हूँ, आप बेटियों से पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपने माता पिता के मनोभावों को समझा है? क्या कभी उसके प्रेम को आपने समझा है? आप अपनी जरूरतों की पूर्ति में लगे रहते हैं, आप जो बड़े हैं या छोटे हैं, जरा विचार करके देखना। यदि आप पिता से दूर जाते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों आपको खुशियां नहीं मिलती, लेकिन इधर पिता भी जब बच्चे दूर चले जाते हैं तो उसे दुख ही दुख होता है। ऐसा ही दुख पिता ईश्वर को भी था। यीशु मसीह ने पिता के प्रेम को इस जगत में जाहिर करने की कोशिश की, उन्होंने उसे किया, उन्होंने उसे दिखाया। आज आप मुझे सुन रहे हैं और जितने भी लोग विश्वास के साथ इन वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, इन गीतों में शामिल हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज आप पश्चाताप का और प्रेम का असली अर्थ समझेंगे। इधर बेटा परेशान है
तो उधर पिता भी परेशान रहता है। बाइबल हमें कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8 में, इज़ेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन ये कहता है, इज़राइल के घराने से यह कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, पश्चाताप करो और अपनी देव मूर्तियों का परित्याग करो, अपने सभी विभत्स कर्मों का परित्याग कर दो। प्रभु ईश्वर ये कहता है इज़राइल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों को कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। एक तरफ पिता का प्रेम, दूसरी ओर पिता के बेटे की जो बेवफाई थी, जो धोखा था, जो फरेब था, उसके कारण पिता को दुख होता है। इसलिए उस पिता के दुख को प्यारे भाइयों और बहनों, इस गीत के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ए मेरे बेटे, तू दूर दूर क्यों है, तू मेरे पास लौट कर आता क्यों नहीं है। कितने ही बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, उनसे मशवरा नहीं करते हैं, उनसे सलाह नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि 4 क्लासें क्या पढ़ गए हैं, अब माता पिता से उन्हें अच्छा ज्यादा ज्ञान है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आप अपने माता पिता के लिए बच्चे ही रहेंगे। आप अपने माता पिता के लिए बच्चे ही रहेंगे। कभी अपने माँ बाप के जगह पर बैठकर सोचना कि उनका दुख अपने बच्चों के लिए कितना बड़ा होता है। आज के परिवारों की दशा ये है कि बेटों की शादियां होती हैं और बहुएं घर आती हैं, माता पिता को कोने में फेंक दिया जाता है, वो अपने पति को अपने वश में करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, घर उजड़ने लगते हैं, प्रेम भाव खत्म होने लगता है और माता पिता दुखी होते हैं। इसलिए इस गीत के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिता का दुख कैसा है, पिता का दुख कैसा है। बेटे तू मेरे बेटे
मुझसे दूर क्यों जाते हो, तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले, ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों है, ऐ मेरे बेटे मुझसे दूर क्यों जाते हो तुम, क्यों पास नहीं आते, मुझसे दूर क्यों जाते हो तुम, क्यों पास नहीं आते, आ मेरे पास आओ, दूर ना समर्पित करना प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पण का ये समय है, अपने अपने परिवार को बच्चों को समर्पित करना। प्रभु कहता है सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, उसके मनोभावों को धारण करना, जैसे यीशु अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहा, उनकी सेवा की, उनसे प्रेम किया, वैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों आज आप लोगों को भी एक दूसरे को प्रेम करने, क्षमा करने और आज्ञा पालन का वरदान प्रभु प्रदान करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों पर उतरे और आप उसकी महिमा में जीवन बिताएं। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, अब तू अपने इन दास दासियों के ऊपर कृपा कर, उन माता पिता को तेरे हाथों में सौंपता हूं जो अज्ञानता के कारण जाने अनजाने में अपनी संतान की देखभाल नहीं कर पाए,
उन संतानों को उन बच्चों को तेरे हाथों में देता हूं जो माता पिता से दुर्व्यवहार करते उनका आदर नहीं करते उनसे दूर चले गए हैं इन पर दया कीजिए हे प्रभु यीशु माता पिता और बच्चों में आपसी संबंध अच्छे हो जाए ये एक दूसरे को क्षमा करें इन पर तेरी रूह की आग उतरे तेरे पवित्र लहू से इन्हें शुद्ध कर दीजिए हम हृदय से पश्चाताप करते हैं अपने पुराने पापों को हम छोड़ देते हैं हे प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं तूने अपना रक्त बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है हम विश्वास के द्वारा उस फल को प्राप्त करें हे पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे घरों में निवास कीजिए आशीष दीजिए उसका सामर्थ्य हमें संचालित करें हमारे मन विचार और हमारे हृदयों और आत्माओं की रक्षा कर शैतानी बंधनों से हमें बचा के रखने की कृपा कर मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा आ